नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट और उस कंसेप्ट के बेस पर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को तो बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंसेप्ट। भाई कंसेप्ट क्या है आज का? तो कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि एक प्लेस है, ये घर है, ये है मेरा घर, ठीक है, और ये है मेरा स्कूल जहाँ मैं जाता हूँ। मान लो अब एक कंडीशन है इस पूरे केस में, एक कंडीशन है कि भाई मैं 8 बजे ही अपने घर से निकल सकता हूँ, ना मैं इससे पहले ना इसके बाद मैं अपने घर से निकल सकता हूँ। और स्कूल में जो पहुँचने का टाइम है वो कितना है भाई? 9 बजे है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो हम बात कर रहे हैं डे वन की, पहले दिन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपने घर से चला किसी एक स्पीड से और मैं स्कूल पहुँचा मान लो 9:10 में। तो मैंने देखा कि भाई 10 मिनट लेट हो गया मैं, ठीक है। तो मैं अगले दिन क्या कोशिश करूँगा? मैं कोशिश करूँगा अगले दिन कि अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊँ, और या तो मैं 9 बजे पहुँचूँगा, और मैं मान लेते हैं मैं 8:50 पर पहुँच गया, यानी कि 10 मिनट पहले पहुँच गया। तो अब दोनों दिन के केस को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, क्या दोनों जगह स्पीड सेम रही? आपने कहा नहीं भाई, पहले दिन स्पीड कम रही होगी, अगले दिन ज़्यादा रही होगी, तभी तो मैंने सेम डिस्टेंस कम टाइम में क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो हमने कहा कि अगर पहले दिन स्पीड S1 रही है तो यहाँ पर स्पीड क्या रही होगी? S2। दोनों दिन मैंने टाइम भी डिफरेंट लिया है, अगर यहाँ T1 टाइम लिया है तो यहाँ T2 टाइम लिया है, लेकिन दोनों केस में मेरा डिस्टेंस क्या रहा है? है सेम रहा है दोनों दिन में। यानी कि अगर मैं पहले वाले से डिस्टेंस निकालूँ S1 into T1 और दूसरे वाले से डिस्टेंस निकालूँ S2 into T2, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। आपने कहा बिल्कुल होंगे। तो हमने कहा S1 into T1 equal to S2 into T2 होंगे। तो यहाँ से स्पीड और टाइम का जो रेशो मिला वो मुझे मिला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर यहाँ S1 S2 है तो यहाँ T2 T1 है। इसका मतलब अगर S1 S2 का रेशो दोनों स्पीड का रेशो A:B है, तो T2:T1 क्या होगा? तो हमने कहा 1:T1:T2 1:A:1:B होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका मतलब अगर मैं एक नंबर से समझाऊँ, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। तो आपने ध्यान रखना है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम देन स्पीड एंड टाइम रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। भाई स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर स्पीड का रेशो 3:2 है तो टाइम का रेशो 1:3:1:2, और रेशो कभी इस तरह से फ्रैक्शन में हम रखते नहीं है। यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम आएगा 6, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 1/3 1/2 × 6, यानी कि 2:3। यानी कि 2 के केस में तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ कि अगर 3:5 है तो टाइम का रेशो 5:3 होगा, या टाइम का रेशो 6:7 है तो स्पीड का रेशो 7:6 होगा। इन्वर्सली करने पर भी 2 के केस में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात तो आपको समझ आ गया है। जैसे मान लो मैं 3 में कह दूँ भाई, 3 में रेशो स्पीड का रेशो ये है और डिस्टेंस सेम है। ध्यान रखिएगा यहाँ डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो टाइम का रेशो होगा 1:2:1:3:1:4, तो कितना आ जाएगा? 12। तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम 12 आएगा ना, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12। तो टाइम का रेशो आ जाएगा ये। अगर स्पीड का रेशो 2:3:4 है और डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो 6:4:3 आ जाएगा। आइए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भाई दो लोग हैं, एक का नाम है लोकी, एक का नाम है थोर। दोनों ने एक रेस शुरू की हुई है। अब रेस में कहानी क्या है, ज़रा आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं तो सीधा लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ। भाई दो लोग हैं, रेस का लगा रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, और दोनों ने भागना शुरू किया। एक है लोकी और एक है भाई अपना थोर, ठीक है। तो थोर रन्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 km/h। भाई ये जो बंदा भाग रहा है, ये भाग रहा है 10 km/h की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये वाला भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इससे 3 सेकंड पहले ये यहाँ पे होगा, इसने अभी शुरू भी नहीं किया, और भागते 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 ये यहाँ तक भागा,
और ये भी भागते 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 यहाँ तक भागा है ना, इसने यहाँ पे जाके इसको पकड़ लिया। अब जब पकड़ा होगा तब, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और जहाँ पर पकड़ा गया है वो एंडिंग पॉइंट भी क्या है, दोनों का सेम है, तो दोनों ने यहाँ पर डिस्टेंस क्या किया है, सेम ट्रैवल किया है, लेकिन दोनों की स्पीड और दोनों का लिया गया टाइम क्या है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। और हमारा जो थोर है भाई वो 30 सेकंड पहले भाग चुका है, यानी कि अगर मैं देखूं वैसे लमसम देखूं तो 30 सेकंड ज़्यादा टाइम ले रहा है ये, है ना, 30 सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा लेगा पहले, तो जितना भी ज़्यादा होगा उसमें 30 सेकंड तो ज़्यादा ही होंगे, ये तो कन्फर्म है ना। ठीक है, आइए यहाँ पर ये तो मेरे को पता लग गया, क्वेश्चन को मैंने पहचान लिया कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो मेरे को पता है कि जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशो लोकी और थोर भाई 12 रेशो कितना है 10, तो मैंने काट दिया 2 × 12 दो पंजे 10, स्पीड का रेशो ये है, तो टाइम का रेशो क्या होगा, तो आपने कहा 5 6, कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आपने कहा 1 यूनिट ज़्यादा, और 1 यूनिट ज़्यादा का मतलब है 30 सेकेंड ज़्यादा, है ना। अब 30 सेकेंड ज़्यादा ले रहा है तो 5 का मतलब है 5 × 15 150 सेकेंड, यानी कि जो हमारा लूकी है उसने कितना टाइम लिया, 150 सेकंड इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमारा थोर है उसने कितना टाइम लिया, 1 का मतलब 30 तो 6 का मतलब 180 सेकंड, और लूकी ने लिया हमारा 150 सेकंड सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जो लोकी है उसने थोर को कितनी देर में पकड़ा है, 150 सेकंड, और अगर मैं मिनट की बात करूं हर एक मिनट एक मिनट में 60 सेकंड, तो 150 सेकंड को अगर मैं ब्रेक करूं तो 6 + 6 + 30, यानी कि एक मिनट और ये 30 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 30 सेकंड, या यूं कह लूँ 2.5 मिनट, ये आधा मिनट है ना, 30 सेकंड का मतलब क्या है, आधा मिनट, हाँ या ना, ठीक है ना। जैसे ये 60 सेकंड, एक मिनट में भाई 60 सेकंड, तो हाफ मिनट में 30 सेकंड, या 30 सेकंड का मतलब हाफ मिनट मीन्स 0.5, यानी कि 2.5 मिनट, यानी कि लोकी ने इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लिया 2.5 मिनट और इसने लिया 3 मिनट, और आंसर जो होगा वो होगा 2.5 मिनट, यानी कि 2.5 मिनट के बाद लोकी ने थोर को पकड़ लिया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, आपको क्योंकि समझ आ गया है तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा बदल रहा हूँ और आप मुझे आंसर बताइएगा। ये मान लेते हैं ये है 15, ये कितना है भाई 15 है, ठीक है, और ये रख लेते हैं, ये 12 ही रख लेते हैं, इसको 12 ही रहने देते हैं, ये 12 ही है भाई, ये 12 ही है, वो 15 है, और ये है आपका मान लेते हैं 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड, कितने सेकंड 15 सेकंड। तो अब आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करें कि क्या आंसर आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जो थोर की स्पीड हो गई है, ओह उल्टा कर दिया ना मैंने, ठीक है गलत कर दिया मैंने, एक वो तो पकड़ ही नहीं पाएगा फिर, तो यहाँ पर इसकी लोकी की जो स्पीड होगी है वो होगी है 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो है वो होगी है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 15 की और ये 12 की, और जो कितना लेट शुरू किया 15 सेकंड, कितना 15 सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।